हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पे। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है और उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, वो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते ही रहते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है क्या। देखिए, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब हो गया कि ऐसी चीज़ स्रोत, डॉक्यूमेंट्स का स्रोत, जैसे हो गया हमारा इनवॉइस, कैश मेमो, रिसिप्ट, ये सब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। अब इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, देखिए, एनी डॉक्यूमेंट डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इज कॉल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे आप सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक बेसिस होता है, मतलब उसके आधार पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे जो ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। अब दीज डॉक्यूमेंट्स आर यूज एज ए रिटन प्रूफ टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिटन इन द बुक। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक रिटन प्रूफ के तौर पे काम आते हैं, और ये जो हमारे क्या यूज़ में आते हैं कि हम जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ, वो एक ऑथेंटिसिटी के लिए काम में आता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं, एक तो हो गया कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल्स, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, ये सब एग्जांपल है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, ठीक है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के, ओके। अब एक चीज कि हमें ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन्स एक्चुअल में हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हमें इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से ही पता चलता है। दूसरी बात ये है कि इन ट्रांजेक्शन्स की हेल्प, इन जो डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हमें जो जिनके साथ हमारा ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जिनके साथ हमने कुछ एक्सचेंज किया है, उनका नाम, उससे कब ये ट्रांजेक्शन हुआ, उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो सब पता चल जाता है। इसी के साथ हमारे को नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कि किस नेचर में हुआ है, कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है, ये सब भी हमें इसी से पता चलता है, ठीक है। ये हो गया सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। अब हम जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल्स, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, इन सब के बारे में डीपली और अलग अलग तरीके स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इनवॉइस एंड बिल्स की। देखिए, इनवॉइस और बिल्स है क्या, ठीक है। इनवॉइस, सबसे पहले इनवॉइस के बारे में जानते हैं। व्हेन सेलर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, द डॉक्यूमेंट डेट ही सेंड टू द कस्टमर इज कॉल्ड सेल इनवॉइस, ठीक है। जब कोई भी सेलर सामान बेचेगा तो जो डॉक्यूमेंट्स वो कस्टमर को देगा उसे इनवॉइस कहते हैं। देखिए, इनवॉइस में क्या होता है, उस कस्टमर का नाम आ जाएगा, आपने कितनी क्वांटिटी में गुड्स खरीदा है, उसकी रेट क्या है, टोटल प्राइस क्या हुई है, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है ना इनवॉइस का, वो तो कस्टमर को दे दिया जाता है, और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है वो हमारे जो सेलर है वो खुद अपने पास रख लेता है, क्यों, ताकि फ्यूचर में वो अकाउंटिंग के वर्क में काम आ सके, ठीक है। ये हो गया इनवॉइस की बात। अब पढ़ते हैं बिल। बिल क्या है, द डॉक्यूमेंट डेट इज़ रिसीव्ड बाय ट्रेडर फॉर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इज नॉन एज बिल, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट ट्रेडर रिसीव करता है, कब, जब वो कोई गुड्स परचेज करता है क्रेडिट बेसिस पे, तब उस डॉक्यूमेंट को हम बिल कहते हैं, ठीक है। अब बिल और इनवॉइस सेम होते हैं, इनको सेम सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि इनकी जो सिचुएशन है वो अलग अलग होती है। कैसे सिचुएशन अलग कैसे हुई, इनवॉइस किसको हैंड ओवर किया जा रहा है, कस्टमर को, राइट। और यहाँ पे बिल क्या हो रहा है, बिल कब हैंड ओवर किया जाता है, जब ट्रेडर होता है, ट्रेडर मतलब जिसको उस सामान को बेचना है, और कस्टमर हो गया वो जो उसे कंज्यूम करने वाला, ओके। तो यहाँ पर सिचुएशन का डिफरेंस हो गया, लेकिन इनवॉइस और बिल को एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है। ये हो गया इनवॉइस और बिल की बात। अब चलते हैं अगले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि है कैश मेमो। देखिए, कैश मेमो क्या है, द डॉक्यूमेंट यूज फॉर द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कैश मेमो। देखिए, इनवॉइस और बिल क्या हो गया, आपको क्रेडिट में आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए आपको ये होता है, क्रेडिट में आपने गुड्स परचेज किया है तो वो इनवॉइस और बिल दिया जाता है। लेकिन अब आपने जब कैश में ट्रांजेक्शन किया है, कैश में आपने कुछ चीज़ परचेज की है, तब आपको कैश मेमो हैंड ओवर किया जाता है, ठीक है। कैश परचेज और कैश सेल आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो, ठीक है।
कैश परचेज हुआ है या कैश सेल हुई है, वो कैश बुक में किस बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश मेमो के बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके साथ ही जो जब हम सामान को कैश में सेल करते हैं तो जो सेलर है ना वो कैश मेमो देता है, मतलब कैश मेमो किसको देता है बायर को, और बायर उसे रिसीव करता है। अब देखते हैं कैश मेमो में क्या क्या लिखा जाता है, कैश मेमो में क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए कैश मेमो में हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स की कितनी क्वांटिटी है, उसका रेट क्या है, टोटल प्राइस GST वगैरह जो भी टैक्स है उसको लगा के टोटल प्राइस क्या हुई है, हमने कितना डिस्काउंट दिया है और हमने सेल टैक्स उससे कितना लिया, ये सब उसमें लिखा होता है। ठीक है, ये हो गई कैश मेमो की बात। अब चलते हैं अगले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की तरह, जो कि है रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट क्या है, व्हेन सेलर रिसीव एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर द डॉक्यूमेंट गिवन एज अ प्रूफ दैट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड टू द कस्टमर इज नोन एज रिसिप्ट। ठीक है, जब आपने क्रेडिट में सामान खरीदा, ठीक है, उसके बाद में आपने कुछ समय बाद जब उन्हें पैसे दे दिए या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो उस समय जो आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा एज अ प्रूफ कि आपने हमें अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है या हमें वो चुकाया है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसमें सीरियल नंबर की कितने नंबर की रिसिप्ट है, अमाउंट कितना अमाउंट हमें दिया गया, डेट ऑफ रिसिप्ट किस दिन हमें वो डेट अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो डेट लिखी होती है, और उस कस्टमर का नाम भी लिखा होता है जिसने हमें पैसे दिए, और केस जब ड्राफ्ट या फिर आपको चेक दिया जाता है तो आपका चेक नंबर डेट ये सब भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम पी इन स्लिप की, हमारे अगले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की क्या है। पी इन स्लिप इज ए प्रिंटेड फॉर्म गिवन बाय द बैंक विच इज़ यूज टू डिपॉजिट द मनी इन बैंक। ठीक है, पे इन स्लिप एक फॉर्म होता है जो बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। देखिए उसको फिल करके ही हम हमारे पैसे जमा कराते हैं बैंक में। देखिए नॉर्मली आप बैंक में जाते होंगे तब आप जब भी पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो आपको एक स्लिप दी जाती है और फिर आप उसमें जितना अमाउंट आपको पे करना है डिपॉजिट कराना है वो लिखा जाता है, कितनी आपके अकाउंट नंबर ये सब कुछ लिखा जाता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो हमें हेल्प करता है हमारे अमाउंट को या हमारी मनी को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए उसे ही हम पे इन स्लिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, डेट ऑफ डिपॉजिट किस दिन हमें उसे डिपॉजिट कराया है, अकाउंट नंबर हमारे अकाउंट नंबर, अमाउंट ऑफ मनी जितना भी हमने मनी डिपॉजिट कराया वो सब, ये सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके साथ जो पे इन स्लिप है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, इस एक को बोलते हैं फॉइल, दूसरे को बोलते हैं काउंटर फॉइल। ठीक है, जो फॉइल होती है एक आपने देखी होगी पे स्लिप एक लंबा एक डॉक्यूमेंट है जिसको एक छोटा सा उसमें पार्टीशन किए जाते हैं दो तरीके से। ठीक है, एक जो छोटा सा जो पार्ट होता है उसे काउंटर फॉइल बोलते हैं। काउंटर फॉइल में क्या किया जाता है, काउंटर फॉइल में आप जो भी कैशियर है जो आपके मनी को डिपॉजिट कर रहा है वो आपको एक स्टैम्प देता है और उसके साथ ही अपने सिग्नेचर भी उस पर देता है। तो ये बात हो गई पे इन स्लिप की। ठीक है, तो पे इन स्लिप में जब वो हम जमा कराते हैं तो जो लंबा जो हमने मैंने बताया कि पे इन स्लिप के दो पार्ट होते हैं, एक छोटा पार्ट में डिवाइड होता है और दूसरा होता है थोड़ा बड़ा। तो जो जो बड़ा वाला पार्ट है ना उस पे इन स्लिप का वो तो रख लेते हैं कैशियर, और जो छोटा वाला काउंटर फॉइल है वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अगला सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है चेक। चेक क्या होता है, चेक एक तरह से एक ऑर्डर होता है बैंक को कि आप जितना अमाउंट उसमें लिखा हुआ है उतना उस जिस पर्सन ने उसे बियर किया है या जिसका नाम उस पर लिखा है उसे आप दें। ठीक है, द चेक इज़ अ रिटर्न ऑर्डर लेटर टू द बैंक विच ऑर्डर द बैंक टू पे द अमाउंट रिटर्न ऑन इट टू द पर्सन हुज नेम इज़ रिटर्न ऑन इट और टू द बियर। ठीक है, मैंने बताया वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि एक रिटर्न ऑर्डर लेटर है जो बैंक को दिया जाता है कि आप जो अमाउंट उस पर लिखा हुआ है वो उस पर्सन को दे जिसका नाम उस पर उस चेक पे मेंशन है या फिर जिसने उसे बियर कर रखा है जिसके पास वो है। ठीक है, अब चेक में क्या क्या लिखा होता है, देखिए डेट आती है चेक में एक तो, फिर अमाउंट अमाउंट होता है वो फिगर में होता है और एक वर्ड्स में भी रिटर्न होता है। ठीक है, और जो उसका होल्डर है जो चेक को जो कंटेनर सिग्नेचर आता है जो जिसका चेक दिया जाता है जिसने चेक हैंड ओवर किया है या जो चेक दे रहा है उसका एक साइन सिग्नेचर भी होता है। ठीक है,
पहले वाले दिनों में क्या किया जाता था कि चेक के साथ एक काउंटर फॉइल भी दी जाती थी, लेकिन अब क्या किया जाता है, एक एनेक्सर दिया जाता है इसके साथ, एक सेपरेटली अटैच किया जाता है जिसे हम फ्यूचर में अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे काउंटर फॉइल यूज़ किया जाता था जब हम पे इन स्लिप में अमाउंट डिपॉजिट कराए जाते तो काउंटर फॉइल हम लेके आते थे, फिर उसकी हेल्प से हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। उसी तरह चेक में भी पहले काउंटर फॉइल आता था, लेकिन अब उसे रिप्लेस करके एक एनेक्सर नाम का एक जो डॉक्यूमेंट है उसे अटैच किया जाता है और उसी की हेल्प से हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, अगला सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट क्या है, व्हेन बायर रिटर्न गुड टू सेलर ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन द लेटर इज सेंड विच इज कॉल्ड डेबिट नोट। ठीक है, आप सपोज कीजिए आपने सामान खरीदा है, ठीक है, और आप किसी स्पेसिफिक रीज़न के होते हुए उसे रिटर्न कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए जो आपने गुड्स रिसीव किया है वो डिफेक्टिव आ गया, या फिर उस पर जो सेलर है उसने प्राइस ज़्यादा लगा दी, तो इन सभी रीज़न के कारण तो आपने जो गुड्स है उसे रिटर्न किया, राइट। तो आप जब उसे रिटर्न करोगे तो आप एक डेबिट नोट लिख कर दोगे किसी सेलर को, ओके। तो जब आप कुछ लिखोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, गुड्स रिटर्न के टाइम पे उसे क्या बोला जाएगा, डेबिट नोट। ठीक है, जब सेलर को वो सामान मिल जाएगा जो आपने रिटर्न किया है तो वो आपको एक नोट लिख के देगा, उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है, व्हेन अ बायर रिटर्न द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टू सेलर बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीजन द सेलर इन्फॉर्म अबाउट द रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय सेंडिंग क्रेडिट नोट टू द बायर। ठीक है, आपने जब गुड्स को रिटर्न किया तो आपने सेलर के लिए एक डेबिट नोट लिखा। ठीक है, जब सेलर के पास वो सामान पहुंच गया तो आप वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि मेरे पास सामान पहुंच गया है, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देगा आपको, क्रेडिट नोट। ठीक है, तो सिंपली है, जब बायर रिटर्न करेगा गुड्स को तब वो डेबिट नोट लिखता है, और जब सेलर के पास वो सामान आ जाता है और वो जब बायर को इन्फॉर्म करता है कि मुझे आपका जो रिटर्न किया हुआ सामान है वो मिल गया है, तो वो क्रेडिट नोट लिखेगा। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में होता क्या क्या है। देखिए, सेम डेबिट नोट में लिखा जाएगा कि किसके नाम पे आपने डेबिट किया है, कितने अमाउंट में आपने डेबिट किया है, जो रीज़न है उसके कारण, जिस रीज़न के होते हुए आपने वो रिटर्न किया, ये सब उसमें लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। चलते हैं अगले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि है वाउचर। वाउचर, ठीक है, वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट आफ्टर ट्रांजेक्शन एनालिसिस गेट साइंड बाय अन ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक, वाउचर्स किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंटेंट के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। जब वो प्रिपेयर हो जाता है तो एक ऑथराइज पर्सन, जो ऑथराइज पर्सन मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए ऑनर ऑफ द बिजनेस, क्या करता है, उसे एनालाइज करता है जो आपने वाउचर प्रिपेयर किया वो सही है या नहीं, और उसके बाद में वो अपना सिग्नेचर देता है। ठीक है, अब देखिए वाउचर किससे प्रिपेयर होता है, अकाउंटिंग इज डन ऑन वाउचर विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जो अकाउंटिंग की जाती है, वाउचर में जो भी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है वो किसके बेसिस पे की जाती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, इनवॉइस जो भी हमने पढ़े उनके बेसिस पे वाउचर प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके बाद में अकाउंटिंग इज डन इन जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। ठीक है, जो वाउचर्स की हेल्प से जनरल और सब्सिडरी बुक्स में अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, वाउचर को किसकी हेल्प से बनाया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। ठीक है, और जनरल और सब्सिडरी बुक्स को किसकी हेल्प से बनाया जाता है, वाउचर्स की हेल्प से। ठीक है, ये बात होगी वाउचर्स की। अब वाउचर दो टाइप से डिवाइड होता है, एक होता है वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है वाउचर फॉर अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी है वाउचर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन की। देखिए, वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन में क्या है, कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू चेक आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन। ठीक है, कैश वाउचर कब प्रिपेयर किए जाते हैं, जब आपने कैश में कुछ रिसीव्ड किया है, आपने कुछ कैश अमाउंट रिसीव्ड किया है, या फिर कैश में आपने कोई पेमेंट किया है, चाहे वो आपने चेक में किया हो या फिर कैश में। ठीक है, चाहे ऑनलाइन बोलते हैं ना बैंक के थ्रू किया हो या फिर आपने खुद दिया हो, तो तब वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन प्रिपेयर किया जाता है।
इसके बाद में वाउचर फॉर अदर ट्रांजेक्शन और वाउचर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन कब प्रिपेयर किया जाता है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे आपने कोई सामान क्रेडिट में ख़रीदा है, ठीक है, तो आप उसे कैश नहीं देते हैं, तब कोई वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा, तो वो कहीं किसकी कौन सा वाउचर होगा? वाउचर फॉर अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। दीज वाउचर आर प्रिपेयर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब जब आपने कोई पेमेंट नहीं किया, तब वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? जैसे क्रेडिट परचेज किया आपने, क्रेडिट में सेल किया है, परचेज रिटर्न, परचेज में रिटर्न जो आपने परचेज किया है वो रिटर्न कर दिया आपने, सेल्स रिटर्न, आपने कोई सामान बेचा है वो आपको रिटर्न हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन, इन सब के लिए हम वाउचर फॉर अदर ट्रांजेक्शन या नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो होता है डेबिट वाउचर, दूसरा है क्रेडिट वाउचर, ठीक है। डेबिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है, क्रेडिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है? देखिए, डेबिट वाउचर कब प्रिपेयर करेंगे? जब हम कैश में पेमेंट करेंगे। अब कैश में पेमेंट कब करेंगे? देखिए, डेबिट वाउचर तभी प्रिपेयर किया जाता है जब हम कुछ खरीदते हैं और तब हम अपने आप किसी को पेमेंट करते हैं, राइट। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद में क्रेडिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है? क्रेडिट वाउचर कब किया जाएगा? जब हमने कुछ बेचा है और हमें कुछ रिटर्न में अमाउंट मिला है, तब हम क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर इन केस ऑफ कैश पेमेंट, जब आप कैश में पेमेंट करते हो तो डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हो। एंड क्रेडिट वाउचर, दीज आर प्रिपेयर इन द केस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, जब आपने कैश रिसिप्ट मतलब आपको कुछ रिसीव हुआ है पैसों में और आपने बैंक से कुछ विड्रॉल किया है, आपने अपने बैंक से कुछ विड्रॉविंग की है, तब आपका जो क्रेडिट वाउचर है वो प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर के जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वाउचर फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड वाउचर फॉर अदर ट्रांजेक्शंस का जो फॉर्मेट है वो सेम होता है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या हो गया, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि इनके कलर में चेंज होता है, ओके। और जो वाउचर्स होते हैं वो जनरली हर फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, अलग अलग वाउचर प्रिपेयर कराता है। जैसे कि हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग वाउचर होता है, जैसे क्रेडिट के लिए अलग वाउचर हो गया, डेबिट परचेज के लिए अलग वाउचर हो गया, राइट। इस तरह से अलग अलग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो है उसमें हम वाउचर्स के फॉर्मेट के बारे में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो हमें प्लीज़ हमारे जीमेल अकाउंट है गार्गी क्लासेस के नाम से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उससे आप हमारे पास जो आपके डाउट है वो आराम से पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।